सर अभी ये मैं पढ़ रही थी, यापी का एडिशन है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कोरोना वैक्सीन्स कंफ्यूजन्स एंड क्यूरियोसिटीज, सेकेंड एडिशन है, जस्ट स्विच ऑफ कोरोना। इसमें क्या वो बातें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद से लोग डरे हुए हैं। कहते हैं कि कोरोना के बाद से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कार्डियक अटैक है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अल्कोहल स्मोकिंग कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है, हमारा लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा जिम्मेदार है, हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है और क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अपना इम्यूनिटी को अच्छे लेवल पे रखना, और उसके लिए जरूरी है कि हम न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें प्रचुर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिंक, कॉपर, सिलेनियम, मैंगनी, मैग्नीशियम, ये सब ध्यान रखने की जरूरत है, और विटामिन्स भी अच्छी मात्रा में है और प्रोटीन अच्छी मात्रा में, तो न्यूट्रिशियस डाइट लेना जरूरी है। दूसरा, यदि रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दो चीजें करते रहें तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो अपना इम्प्रूव करें इम्यूनिटी को। दूसरा, यदि बार बार हो रहा है किसी को, तब विटामिन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम विटामिन डी का चेक करवा लें, जी और दूसरे विटामिन सी वगैरह, जो लेमन ग्रुप के जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं उसमें बहुत विटामिन सी है, वो लें। और तीसरा, अपने हाइजीन पे ध्यान रखें। उसमें मैं उसको कहता हूं कि अलर्टनेस टू द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स के प्रति अलर्ट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि इन्फेक्शन केवल चार रास्ते से होता है। नंबर 1, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, कोई सामने छींका और हम वहां पर हैं तो आ गया। नंबर 2 है थ्रू इन्फेक्टेड सरफेसेज, किसी सरफेस पर, टेबल पर जो छींक रहे हैं वहां, टेबल पे आया और हमने वहां टच कर लिया, या मोबाइल पे आया हमने टच कर लिया, स्टेयर केस में हमने टच कर लिया। नंबर 3 होता है थ्रू ग्लासेज, उसको बोलते हैं कि यदि जैसे हम बच्चे को किस करते हैं या फैमिली में हम सेम ग्लासेस से पानी पी रहे हैं, जी तो उसके थ्रू भी हो सकता है। और चौथा होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, कि हैंड से किया या हक किया तो उसमें हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चार ही रास्ते, इनसे बचने के लिए हमारे पास रास्ता है कि हम सबसे पहले हैंड हाइजीन पर ध्यान रखें, अपना नाक और मुंह, यहां पे हम अपनी हाथ तभी ले जाएं जब हमने पहले सोप एंड वाटर से हाथ धो लिया है। ठीक है, यदि हम इतना ध्यान रखेंगे, क्राउडेड एरिया को अवॉइड करें, जिनको भी बार बार खांसी की दिक्कत है, तो कोविड नहीं है फिर भी N95 मास्क यूज करें, जी ये बहुत जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इतने चीज रखने पर एकदम आप अपने को बचा सकते हैं इन्फेक्शन से, ये बिल्कुल। बहुत और ज्यादा इसके जरूरी, अलावा इतना हम डॉक्टर, जैसा ध्यान कि मैंने रखें अभी तो आपसे पूछा इन्फेक्शन भी, नहीं होगा। हाँ मैंने आपसे पूछा कि ये जो एडिशन है आपका, सेकंड एडिशन, कोरोना वैक्सीन्स कन्फ्यूजन्स एंड क्यूरियोसिटीज पर, बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें हैं, कुछ अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो। हाँ, इसमें यह है कि इसका जो सेकंड चैप्टर ही है उसमें वायरस के बारे में, उसके साइज क्या है और उसकी क्या प्रकृति है जी उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इन्फेक्शन का मोड क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो शॉर्ट में, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में यह है कि कैसे होता है इन्फेक्शन, कहाँ से शुरुआत होती है और मरीज तक कैसे पहुंचता है और कैसे हम बच सकते हैं। तो ये जिन मरीजों ने पढ़ा है, जिन व्यक्ति ने पढ़ा है, उन्होंने अपना बचाव करा है। ठीक है।